मैं आपके साथ कैफे स्टाइल हॉट चॉकलेट की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ, वो भी एक नहीं दो प्रोसेस है, एकदम आसानी से बनता है और ऐसा लगता है प्योर चॉकलेट पी रहे हो। आप ट्राई ज़रूर से करना। और मेरे चटोरों कैसे हो आप? चलो बनाते हैं हॉट चॉकलेट। पहले ये थिक वाला वर्जन बनाते हैं, इसके बाद मैं आपके साथ इंस्टेंट रेसिपी शेयर करूँगा। वैसे ये भी फटाफट ही बन जाता है। दोस्तों बढ़िया टेस्ट के लिए बढ़िया दूध चाहिए, और हम लोग घर में है ना कंट्री डिलाइट का मिल्क यूज़ करते हैं। ये 100% प्योर काउ मिल्क है जो आपके घर फार्म से डायरेक्टली आता है बिना कोई मिडल मैन। तो चलो दूध की पैकेट ओपन करते हैं, और अभी मैं 2 कप हॉट चॉकलेट बना रहा हूँ, उसके लिए 1.5 कप मतलब 1.5 कप दूध लगेगा। तो जिसमें सर्व करेंगे ना उसी से मेजर करना है। मैंने ये 1 कप कढ़ाई में डाल दिया और 1/2 कप और। टोटल ये 1.5 कप हो गया कढ़ाई पे। दोस्तों बेस्ट बात ये है कि कंट्री डिलाइट के फार्म में मिल्किंग होने के कुछ ही आवर्स के बाद आपके घर में आ जाता है दूध, और आप सभी के लिए एक मस्त ऑफर है, वो मैं बाद में शेयर करूँगा। अभी ये दूध को गर्म करना है। तो दूध मैंने ये मीडियम गैस पे रखा है और इसको सिर्फ गुनगुना गर्म करना है। जब ये ऐसे थोड़ा गर्म हो जाता है ना, तब 2 से 3 करछी हम लोग एक बोल में निकाल लेंगे। इसमें हम लोग चॉकलेट का पेस्ट बनाएंगे, तो वो बनाते हैं। यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच मतलब 2 टेबलस्पून कोको पाउडर लिया है। कोको पाउडर जो अनस्वीटेंड वाला आता है ना वो यूज़ करना है। इसके साथ में 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर, ये दोनों को अब अच्छी तरह मिला लेंगे। वैसे गर्म दूध में कोको पाउडर बहुत जल्दी मिलता है, लम्स नहीं पड़ते हैं, इसी वजह से हम लोग ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। जब ऐसी इसकी पेस्ट बन जाती है ना, तब हम लोग कढ़ाई में इसको नहीं डालेंगे, पहले चीनी मिलानी है। तो यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून ही चीनी यूज़ कर रहा हूँ। चीनी को एक बार घोल लेते हैं। चीनी डालने से दूध का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है, और कॉर्नफ्लावर जब डालेंगे ना तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चीनी मिला दी। अब जो कॉर्नफ्लावर और कोको पाउडर की पेस्ट बनाया है ना, उसको वापस चलाना है। बहुत बार ये नीचे सेटल होने लगता है, एक बार चला के कढ़ाई में डाल देंगे और फिर इसको लगातार मिक्स करना है। इसमें कॉर्नफ्लावर डाले हैं ना, इस वजह से इसको शुरू में चलाना बहुत ज़रूरी है। एक बार ये मिक्स हो जाए अच्छी तरह, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों इतना प्रोसेस तो हो गया, अब हम लोग इसमें रियल चॉकलेट वाला फ्लेवर लाते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैंने चॉकलेट यूज़ करी है, इस टाइप की आपको D45 चॉकलेट आसानी से मिल जाएगी। इसको चॉप करना है छोटे छोटे पीसेज में। ये रेसिपी में इतनी क्वांटिटी में 100 ग्राम चॉकलेट लगेगी। अगर आपको और ज़्यादा चॉकलेटी बनाना है तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे ये 100 ग्राम चॉकलेट यूज़ करनी है, बस छोटा छोटा पीसेस में काट लेंगे ताकि ये फटाफट मेल्ट हो जाए। और अपना कोको मिल्क में भी देखिए बॉयल आने लग चुका है। इसको ज़्यादा नहीं पकाना, मतलब उबाल उबाल कर करने नहीं देना है। एक बार बॉईल आ जाए बस फिर गैस बंद कर देंगे, और इसको 15 से 20 सेकंड ठंडा करना है। एकदम उबलते हुए दूध में चॉकलेट नहीं डालनी है, वरना उसके लम्स पड़ जाएंगे। हाँ दोस्तों, चॉकलेट सीज हो जाती है अगर ज़्यादा हीट कर दे तो। जब दूध थोड़ा ठंडा हो जाता है ना, तब इसमें चॉकलेट डालकर फटाफट मिक्स करेंगे। देखिए एकदम थिक रिच और क्रीमी लग रहा है ना, अपना हॉट चॉकलेट रेडी है। अब इसको सर्व करते हैं। तो मैं इसको ग्लास में सर्व कर रहा हूँ, और आप देख सकते हो कितना यम्मी लग रहा है। सजाने के लिए मैं ऊपर इसमें थोड़ी सी क्रीम डाल रहा हूँ, और क्रीम को भी चॉकलेट में ही कोट कर दिया ताकि ज़्यादा यम्मी लगे, और थोड़ा सा कोको पाउडर भी है। ये अपना थिक यम्मी और डिलीशियस हॉट चॉकलेट रेडी है कैफे स्टाइल में। तो इसमें थोड़े बर्तन ज़्यादा गंदे होते हैं। मैं आपके साथ अब सेकंड रेसिपी शेयर करता हूँ। ये 2 से 3 मिनट में बन जाती है और एकदम इंस्टेंट रेसिपी जैसे मैंने बताया। तो इसके लिए मैंने ये कंट्री डिलाइट का ही काउ मिल्क यूज़ किया है। 2 ग्लास के लिए 2 ग्लास दूध चाहिए, और मैं ये कढ़ाई में डाल रहा हूँ। कढ़ाई में दूध डालने के बाद इसको गर्म करना है। इसमें फ्लेवर के लिए दालचीनी का टुकड़ा डालना है, तो मैंने ये 1 इंच के आसपास लिया है। दालचीनी डाल के चीनी डालनी है, तो 3 टेबलस्पून चीनी यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें चॉकलेट नहीं डाल रहे हैं ना, इसलिए 3 टेबलस्पून है। चीनी और दालचीनी डालने के बाद 5 से 10 सेकंड तक इसको हीट करना है। मतलब एक बार इसको अच्छी तरह स्टर कर लेते हैं, और फिर कढ़ाई में ही कोको पाउडर डाल देंगे। ये मैंने 2 बड़े चम्मच यूज़ किया है। हाँ, इसमें डायरेक्टली ही डालना है। 2 टेबलस्पून कोको पाउडर डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स करना है।
इजीली हो जाएगा, बस आपको चलाते रहना है और इसमें बॉईल लेकर आना है। जैसे मैंने बताया था ये रेसिपी इंस्टेंट है दोस्तों, और टेस्ट बिल्कुल वैसा मिलेगा जो हम लोग हॉट चॉकलेट का बॉक्स खरीद कर पीते हैं ना, वो ही वाला। इसमें बॉईल आने लग चुका है तो अब गैस बंद करते हैं और ये सर्विंग के लिए रेडी है। तो मैं ग्लास में सर्व करने के भी दो तरीके शेयर कर रहा हूँ। पहला ऑप्शन तो ये है, अगर आपको थोड़ा चॉकलेटी टेस्ट ज़्यादा पसंद है तो ग्लास में ऐसे चॉकलेट सिरप को पोर कर देंगे और फिर इसमें गर्मा गर्म अपना इंस्टेंट हॉट चॉकलेट पोर करना है। यम्मी लग रहा है ना? अगर आप डार्क चॉकलेट ज़्यादा प्रिफर करते हो तो ये सेकंड ऑप्शन ट्राई करना। इसके ऊपर मैं सिर्फ कोको पाउडर स्प्रिंकल कर रहा हूँ, जो अपनी चाय वाली स्ट्रेनर होती है ना, उसमें मैंने आधा चम्मच कोको पाउडर डाला और टप 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 कर रहा हूँ ताकि इसके ऊपर लेयर आ जाए कोको पाउडर की। ये अपना इंस्टेंट हॉट चॉकलेट रेडी है। तो थिक हॉट चॉकलेट और इंस्टेंट हॉट चॉकलेट में आपको कौन सा अच्छा लगा ज़रूर से बताइएगा। मेरा तो भाई फर्स्ट वाला फेवरेट है, ऐसा लगता है कि प्योर चॉकलेट पी रहे हैं। जो मैं ऑफ़र बता रहा था ना, आप कंट्री डिलाइट का ऐप डाउनलोड करिए और ऐसे इजीली काओ मिल्क का सब्सक्रिप्शन स्टार्ट करने पर जब आप फर्स्ट टाइम रिचार्ज करोगे ना तो 100% कैशबैक मिलेगा। मस्त है ना? लिंक मैं नीचे शेयर करूँगा, डाउनलोड नाउ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन और दोस्तों के साथ शेयर करना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना भूल गया, एक गिव अवे कॉन्टेस्ट भी चल रहा है। बस आपको ये बताना है कि आप क्या बनाओगे कंट्री डिलाइट काओ मिल्क से, और लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह भी करना ही है। 10 लकी विनर्स को कंट्री डिलाइट की तरफ से 2000 रुपीज़ का रिचार्ज मिलेगा। तो जल्दी जल्दी कॉमेंट करो, मैं मिलता हूँ जल्द एक और वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।